बातमी आहे भुसावळची। भुसावळ शहरातील कंटेनमेंट झोन खुले करण्यासाठी शहरातील नागरिकांनी भुसावळ येथील प्रांत अधिकारी राम सुलाने यांना काही दिवसांपूर्वी निवेदन दिलं होतं। भुसावळ शहरातील लाल बिल्डिंग, मित्तल नगर, काजी प्लॉट, तळेले कॉलनी यासह परिसरामध्ये जवळपास 30 दिवसांच्या वरती कंटेनमेंट झोन होतं। त्या ठिकाणी असलेले पेशंट देखील रिकव्हर होऊन घरी परतलेत, त्यामुळे हे कंटेनमेंट झोन त्वरित ओपन करावं अशी मागणी या परिसरातील नागरिकांची होती। या संदर्भातील विषयावर आवाज मराठीने देखील प्रकाश टाकला होता। अखेर या विषयाची दखल घेत हे कंटेनमेंट झोन खुलं करण्यात आलंय। या संदर्भातील निवेदन दिल्याने प्रांताधिकाऱ्यांनी देखील हा निर्णय घेतलाय आणि त्यामुळे हे कंटेनमेंट झोन आता उघडं करण्यात आलंय। प्रांताधिकारी राम सुलाने यांनी हा निर्णय घेतलाय। यामुळे शहरातील रामवाडी, खडका रोड, काजी प्लॉट, गौसिया नगर या भागातील कंटेनमेंट झोन खुलं झालंय आणि खडका रोड भागातील कंटेनमेंट झोन खुला झाल्यामुळं या रस्त्यावरून होणारी वाहतूक आता मोकळी झाली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतामध्ये जाण्याचा मार्ग देखील मोकळा झालाय। कंटेनमेंट घेऊन कंटेनमेंट झोन परिसरातील नागरिकांनी कलेक्टर, प्रांताधिकारी, SP यांना धन्यवाद दिले आहेत। भुसावळहून कलिम पायलटसह अभिषेक अठवाल, टीम आवाज मराठी, भुसावळ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज एकदम सातपुर सभी समाज के लोगों ने, जैसे हमारे नगर सेवक आशिक भाई, साबिर भाई, हाजी शरीफ ठेकेदार, सलीम सूढ़ी वाले, शफी पहलवान, मल्लो हाजी, हम सभी लोगों ने प्रांत अधिकारी को निवेदन लिखी थी के साथ जो खोखा रोड, पापा नगर और शनि मंदिरपुर मेन मार्केट का रोड है और सभी आने जाने वालों को बहुत ही दिक्कतें होती है। हॉस्पिटल का काम है, हफ्ते में 2 टाइम डेली मार्केट खुलता, लोगों को सब्जी भाजी ले जाने के लिए बहुत ही परेशानी होती। तो प्रांत साहब ने और जो उनके इंजीनियर है कुरैशी साहब, कुराब साहब, उन्होंने हमारे निवेदन को मान्यता देते हुए उन्होंने चौकसी करे। चौकसी करने के बाद में जो जो झूम कटने जो जो ये चीज़ को रास्ते को हमें हो गया था वो समय के टाइम में वो लोगों ने निकाल लिए। तो मैं सभी भुसावल के तरफ से प्रांत अधिकारी साहब का, कलेक्टर साहब का, SP साहब का, डिप्टी साहब का, TI साहब का और ये जो बैठे लोग हैं हमारे SRP के, ये सभी लोगों का मैं आभार मानता हूँ। और प्रांत साहब ने हमारी बात को मान्यता दी है और ये काम करे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग भी हमारे साथ में रहे, निवेदन देते टाइम में कुछ भी प्रोग्राम रहता तो आप लोग हमारे साथ में आते आते। तो आप पत्रकार फोटोग्राफरों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो कंटेनमेंट जोन तो सिर्फ अपने लिए चलने फिरने के लिए मोकला हुआ, बीमारी नहीं गई, बीमारी आज भी कायम है। बीमारी से हम सबको बचना है। अगर वो सोच होगी लोगों की कि ये खुलने से बीमारी चली गई, बीमारी आज भी कायम है। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि जैसे हम लॉकडाउन में वापर कर रहे थे अपनी ज़िंदगी का, तो उसी तरह अभी भी अपनों को उचित रहना है, लॉकडाउन समझ के रहना है। कोरोना की बीमारी कुछ गई नहीं है, कोरोना आज भी जिंदा है, तो उसको हमको कैसा मारना है, सबको उसको उस हिसाब से मारना पड़ेगा। मुँह को मास्क बांधना पड़ेगा, डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। तो मेरी सभी लोगों से ये गुजारिश और विनती है कि अभी सभी लोगों ने मिलकर पूरी ताकत से मेन रास्ता खुलवा दिए और जो भी लोग सोचते साथ में जो छूट दिए लिए 7 से 5 तक की मार्केटिंग की, तो मैं पब्लिक से विनती करूँगा कि भाई हमने उनका पुलिस प्रशासन का सरकारी सपोर्ट करने होना और 5 बजे के बाद में हमने बंद समझ के, कर्फ्यू समझ के अपने अपने घरों में रहना है। ये मेरी लोगों से विनती है, आह्वान तो नहीं, मैं छोटा कार्यकर्ता है, विनती करता हूँ सबसे कि बीमारी गई नहीं है, तो ये 5 बजे तक हम लोगों को छूट है, 5 के बाद से हम लोगों को घरों से नहीं निकलना है। जिस तरह हम लॉकडाउन के हिसाब से रह रहे थे उसी हिसाब से अपने को रहना है। धन्यवाद। We'll be right back.